तमाम बिरादरान इस्लाम और वो बिरादरान वतन को ईद उल फितर की पुरखलोस मुबारकबादी देता हूँ। पिछले दो साल से हम लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन की वजह से ईद नहीं बना सके, और इन 2020 और 2021 के जो ख़ास करके जो सेकेंड वेव के जो कोविड का वेव था उसमें बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। हो सक जाहिर सी बात है इस ईद में वो तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है उनको मिस कर रहे होंगे। कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तमाम लोग, उन तमाम जितने भी लोग मरहूमिन हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और साथ ही साथ हमारे हुगली के भाई जो बेगुनाह जो जेल के अंदर भी वो लोग हैं उनके लिए भी आप तमाम लोग दुआ कीजिए, सब्र के लिए उनके, और जल्द से जल्द वो रिहा हो जाए। उनके लिए तमाम हुगली के अंदर जो बेगुनाह नौजवान हैं जेल के अंदर, उन तमाम लोगों की जल्द से जल्द रिहाई हो जाए, उनके लिए भी आप तमाम लोग दुआ कीजिए। और आपसी जो भी इख्तलाफात हैं हमारे, इख्तलाफात को ख़त्म कर एक दूसरे को मुबारकबादी देते हुए गले मिलकर अपने इख्तलाफात को, अपनी नाराज़गी को ख़त्म करें, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है, इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम एक दूसरे से मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, और हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है, नफ़रत से हम किसी का दिल नहीं जीत सकते, सिर्फ़ और प्यार से और मोहब्बत से हम दिल जीत सकते हैं। तो आज इस ईद में जो है हम प्यार बाँटेंगे, मोहब्बत बाँटेंगे, गले मिलेंगे। तमाम हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ। बसवा जयंती भी है, बसवा जयंती के लिए भी मैं तमाम हिंदू भाइयों को भी मुबारकबादी देता हूँ।